क्या हाल है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं ओप्पो A15s जो कि लेटेस्ट और न्यू मॉडल आया है ओप्पो का, 4GB 64GB बहुत ही कम प्राइस में। ये वाला फ़ोन मात्र 11490 में ओप्पो ने लॉन्च किया है। 4GB की रैम है फ़ोन के अंदर, 64GB इंटरनल मेमोरी है और स्लीक लाइट वेटेड फ़ोन है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, कैसा है लुक, कैसा है डिजाइन, सब आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। धन्यवाद। ये वाला जो फोन आप देख रहे हो, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ये वाला फोन मेरे पास ओप्पो का A15s है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या क्या एक्सेसरीज है बॉक्स के अंदर और कैसा है दिखने में फ़ोन। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा फ़ोन, काफ़ी स्लीक है, लाइट वेटेड है, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मतलब कह सकते हैं कि कम प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा फ़ोन आपको मिलने वाला है ओप्पो की तरफ से। तो देखते हैं लुक फील कैसी है। ये जो फ़ोन है, मतलब एक बजट फ़ोन के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ही बेहतरीन है। 4GB की रैम है फ़ोन के अंदर, 64GB इंटरनल मेमोरी है। ये इसके साथ सिलिकॉन केस है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और सिम इंजेक्टर टूल इसके साथ में, वो तो सभी के साथ में आता ही है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें अलग रखते हैं। कवर है सिलिकॉन केस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन हाँ लंबे समय तक यूज़ करने पर थोड़ा पीला पड़ जाता है, लेकिन इसे बार बार चेंज करवाना चाहिए, महीने दो महीने में चेंज करवा सकते हैं। ये है वाइट कलर में, जो इसमें कलर आया है वाइट कलर A15s। पीछे से बैक ग्लास लुक बहुत ही शानदार है फ़ोन की। बैक में ट्रिपल AI कैमरा आपको मिलता है और बैक में ही रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है। प्लस अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत बेटर है, 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड अगर मैं लाइट वेट की बात करता हूँ तो मात्र 177 ग्राम का ये टोटल फ़ोन है। कैमरा क्वालिटी अच्छी मिल जाती है इस प्राइस सेगमेंट में। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 13-2-2 के 3 कैमरे बैक में दे रखे हैं। पीछे से लुक काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी हल्का अच्छा फ़ोन है। तो देखते हैं इसे ऑन करके, मैंने डायरेक्टली ऑन ही कर लिया *813# डाल के। तो आप भी इसी तरीके से ऑन कर सकते हो फ़ोन को, तो डायरेक्ट सेटिंग वेटिंग के रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे ऑन कर सकते हो। परफॉर्मेंस में ओवरऑल बात करता हूँ तो परफॉर्मेंस की भी तो बढ़िया है, कहीं से कहीं तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई फ़ोन में कोई कमी है या कुछ है। डिस्प्ले ब्राइटनेस के मामले में, आवाज़ के मामले में, हर चीज़ में फ़ोन काफ़ी बेटर है। जो यहाँ पे आपको CPU का सपोर्ट मिल रहा है वो हीलियो का P35 है, जो कि 2.3 GHz क्लॉक स्पीड पर काम करता है, जिससे परफॉर्मेंस और भी अच्छी होने वाली है। और साथ ही साथ वो सारे फीचर तो आपको मिल ही जाते हैं। एंड जो चार्जर है वो 10W का है, टाइप बी का चार्जर है। यहाँ पे टाइप सी नहीं है देखने को मिलता, लेकिन टाइप बी फास्ट चार्जिंग के साथ है, तो बढ़िया है, कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं रहने वाली फ़ोन के अंदर। और कम प्राइस में स्टाइलिश फ़ोन आपको मिल रहा है, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है, ओप्पो जैसा ब्रांड मिल रहा है और 4GB 64GB मिल रहा है फ़ोन। तो मतलब एक प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है फ़ोन की। कैमरा, जो कैमरा है, कैमरे में मोड्स इसमें डाले हैं। जैसे आप देखते हम देखने को मिलता है कि जो कैमरा है उसमें अधिकतर कैमरों में मैक्रो का काम ही नहीं होता, तो यहाँ पे अलग से सेपरेट एक कैमरा लगाया है मैक्रो फोटोग्राफी के लिए। तो इसमें हाईलाइट भी कर रखा है कि मैक्रो फोटोग्राफी, जो पास से आप किसी टेक्स्ट का, किसी फ्लावर का, किसी भी मतलब चीज़ का पास से, बहुत ही पास से फ़ोटो लेना चाहते हो तो मैक्रो फोटोग्राफी में ले सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको स्लो मोशन मिल जाता है, कम प्राइस में स्लो मोशन आपको फ़ोन के अंदर मिल जाता है, फास्ट मोशन आपको फ़ोन के अंदर मिल जाता है। इस प्राइस सेगमेंट में अगर मैं बात करता हूँ स्लो मोशन में, तो किसी भी फ़ोन के अंदर स्लो मोशन नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आपको स्लो मोशन मिल जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है के A15s में आपको स्लो मोशन मोड भी मिल जाता है, मैक्रो फोटोग्राफी एंड टाइम लैप्स यानी फास्ट मोशन, स्टिकर फोटोग्राफी, पनोरमा फोटोग्राफी, वो सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। और बैक में आपको नाइट मोड भी मिल जाता है, जिसके द्वारा आप लो लाइट कंडीशन में बहुत अच्छी फोटोग्राफी भी कर सकते हो। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस
इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी, हार्डवेयर, टच रिस्पॉन्स की मैं अगर बात करता हूँ तो वो हर चीज़ में फ़ोन बेटर ही है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वही ओप्पो का 3 फिंगर स्वाइप करो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उसी पर टैप करना है आपको, तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग बार पे चलाया जाए, देख रहे हैं आप स्क्रॉल हो पा रहा है। जब तक 40 पेज तक का स्क्रीनशॉट आप एक ही पेज में ले सकते हो, जैसे ही नीचे तक जाएगा तो ये बता देता है कि वी आर द ऑलरेडी इन द बॉटम ऑफ द पेज, तो डन करोगे पूरा बड़ा स्क्रीनशॉट एक ही पेज में आ जाएगा। एंड ये किसी को आप शेयर कर सकते हो, ऑफलाइन रीड कर सकते हो, कुछ भी जैसे बच्चों को टेक्स्ट वगैरह लेने होते हैं। आप अगर हम बात करते हैं ऐप लॉक की तो वो इसके अंदर है, ऐप हाइड की वो इसके अंदर है, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऐप आपको मिल जाती है जो कि लेवल ऑफ 3 में है। इसमें आप ऑल करना चाहते हो ऑल कर सकते हो, अननोन नंबर की चाहते हो अननोन नंबर की कर सकते हो, पर्टिकुलर किसी नंबर की चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर आपको देखने को मिल जाता है 11400 नंबर में। तो कैमरा क्वालिटी हार्डवेयर के मामले में बेस्ट है फ़ोन। अब जितने भी फ़ोन आ रहे हैं हम देख पा रहे हैं कि जितने भी अभी फ़ोन आ रहे हैं इस प्राइस सेगमेंट में, वहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर जो है वो रिमूव कर दिया है काफ़ी कंपनियों ने, लेकिन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है। सो लूप वीडियो एडिटर मिल जाता है जिसके द्वारा आप जैसे टिकटॉक या टकाटक इन पे वीडियो एडिट करते हैं, गाने वगैरह लगाते हैं, स्टेटस पे गाने लगाते हैं, तो वो आप सो लूप वीडियो एडिटर से इसका जो पेड वर्जन है वो फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है आपको, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बढ़िया है, कैमरा क्वालिटी अच्छी है। तो आप इस फ़ोन के बारे में अगर 10-11 हज़ार में लेना चाह रहे हो तो आप इस फ़ोन में सोच सकते हैं। धन्यवाद।